स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में, और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ओप्पो R17 Pro की। तो करते हैं इसकी सील ब्रेक और देखते हैं ओप्पो ने इस फोन में है वो क्या अपग्रेड किया है ओप्पो R17 से। और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बॉक्स हो चुका है हमारा अनबॉक्स, और ये है एक बड़ा ही पर्पल और ब्लू मिक्स फनकी सा कलर, और ऐसे होता है ये ओपन। और सबसे ऊपरी पर मिल जाती है हमें हमारी मैन यूनिट, और थोड़ी सी हैवी है मैन यूनिट, इसको रखते हैं एक बार हम साइड में। उसके बाद में हम नीचे देखते हैं ये एक सेक्शन जो ऐसे है ओपन होता, और इसके बाद में इसमें हमें ये मिल जाता है एक बेसिक सा केस, एकदम सॉफ्ट केस है जो कि मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद में हमें मिल जाते हैं ये पेपर वर्क और सिम इजेक्टर टूल है, वो बहुत ही काम की चीज़ है। इसको भी हम देखेंगे कि हमें जो हाइब्रिड स्लॉट मिलता है या नहीं मिलता है, कैसा भी मिलता है। ये है एक सुपर वूक चार्जर जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 10 वोल्ट 5 एम्पीयर, यानी कि 50 वोल्ट की इसकी कैपेसिटी है। 40 से 50 मिनट में पूरे फ़ोन को कर देगा ये चार्ज, तो ये एक काफ़ी इसका प्लस पॉइंट है। उसके बाद में हमें मिल जाते हैं ये एक ईयरफोन्स, जो कि देखते हैं हम कैसे मिलते हैं हमें। और ये ईयरफोन मिलते हैं हमें टाइप सी वाले ईयरफोन, और इसी के अंदर हमें मिल जाती है ये एक USB 2 टाइप सी चार्जिंग केबल। अब इन चीज़ों को रखते हैं हम साइड में और आते हैं हमारी मैन यूनिट पे, और उतारते हैं इसका प्लास्टिक रैप और उतारते हैं ये पीछे वाला प्लास्टिक भी। कलर है वो है एमरल्ड ग्रीन, जो कि है काफ़ी गजब का कलर। फ़ोन की अगर ओवरव्यू की हम बात करें तो पीछे पीछे हमें मिल जाता है एक ड्यूल कैमरा सेटअप, 20 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल एपरेचर 1.5 और f2.4 के साथ में, और नीचे मिल जाता है एक 3D स्कैन। और फ़ोन की अगर हम राइट साइड की अगर बात करें तो मिलती है बस सिर्फ एक पावर लॉक अनलॉक की। उसके ऊपर की अगर फ़ोन के टॉप साइड की अगर हम बात करें तो मिलता है हमें सेकेंडरी माइक्रोफोन। फ़ोन के लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो पूरी है क्लीन, छोड़ के एक वॉल्यूम रोकर बटन्स को। अब आते हैं फ़ोन के नीचे के बॉटम पैनल पर। बॉटम पैनल थोड़ा बिजी है, यहाँ पर सबसे पहले हमें राइट साइड में मिल जाती है सिम ट्रे, और वो देखना चाहेंगे हम। इसमें माइक्रो SD का कोई ऑप्शन नहीं है, और हम इसमें ड्यूल सिम लगा सकते हैं बस। सेंटर में मिल जाता है हमें टाइप सी पोर्ट, उसके बगल में मिल जाता है प्राइमरी माइक्रोफोन, और उसके बगल में मिल जाती है स्पीकर ग्रिल। और सबसे ऊपरी ऊपर हमें मिल जाता है यहाँ एक स्पीकर ईयरपीस, और उसके नीचे मिल जाता है 25 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा। और उसके बाद में हम ये फ़ोन हो चुका है हमारा बूट, और सबसे पहले हम जाते हैं इसकी सेटिंग में, और सेटिंग में जाके देखते हैं अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में हमें मिल जाता है एंड्रॉयड वर्जन 8.1, और ये है एंड्रॉयड ओरियो। और उसके बाद में हमें मिल जाती है 8 GB की रैम और 128 GB का स्टोरेज, जिसमें से 106 GB है वो हम काम में ले सकते हैं। और प्रोसेसर है इस फ़ोन का वो है स्नैपड्रैगन 710 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। और प्राइस की अगर मैं इस फ़ोन की बात करूँ तो वो है 30,000 रुपये, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा लगती है मुझे। और 3.5 mm जैक की इस फ़ोन में कमी भी है। उसके अलावा हम इसमें एक छोटा सा कैमरा टेस्ट करना चाहेंगे, और हम एक फ़ोटो रैंडम फ़ोटो लेते हैं एक, और ये फ़ोटो मैंने एक क्लिक की है, और देखते हैं इसकी क्वालिटी। एक एक लाइन है वो क्लियरली मेंशन हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो कैमरा है वो वाकई में अच्छा है। अब ट्राई करते हैं इसका एक सेल्फ़ी, और कैसी इसकी 20 मेगापिक्सल की सेल्फ़ी है। और ये है 25 मेगापिक्सल की सेल्फ़ी, जिसमें डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से आ रही हैं। तो कहना पड़ेगा कैमरा के का मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर के डिस्प्ले की, जो कि है सुपर एमोलेड डिस्प्ले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ में। और सबसे पहले हम चेक करते हैं ये फिंगरप्रिंट कि ये कितना जल्दी है वो काम करता है। ये 1 सेकेंड का टाइम लेता है, हल्का सा ये टाइम लेता है, और उसके बाद में हो जाता है ओपन। और अब हम इसको ओपन करते हैं फेस अनलॉक से। फेस डाटा मैंने ऐड कर लिया है, और मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ अब, और जैसे ही मैंने देखा देखते ही ओपन हो गया। मैं अब इसकी तरफ कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, और लॉक स्क्रीन भी नहीं आती है। तो फेस अनलॉक है वो काफ़ी फास्ट है। तो यही था इस फ़ोन का पूरा हिसाब किताब, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।